सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, जैसे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे कि आपने मोबाइल टू मोबाइल माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को कैसे यूज करना है, कैसे अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे टीम मेंबर्स को ऐड करना है, कैसे चैट करनी है, कैसे वीडियो कॉल करनी है एंड कैसे फाइल्स ट्रांसफर करनी है एंड कैसे फाइल शेयरिंग करनी है। दोस्तों, आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को लैपटॉप में कैसे यूज करना है, कैसे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे लैपटॉप में एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, कैसे टीम क्रिएट करनी है, कैसे मेंबर्स को ऐड करना है, कैसे मीटिंग के लिए लिंक शेयर करना है, कैसे लिंक के थ्रू मीटिंग ज्वाइन करवानी है, कैसे चैट करनी है। ये सभी देखने के लिए बने रहिए मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों, लेफ्ट साइड पे पीसी को हम एज ए एडमिन यूज करेंगे या आप बोलो एज ए टीचर यूज करेंगे एंड राइट साइड पे मोबाइल को हम एज ए पार्टिसिपेंट ज्वाइन करेंगे, आप बोलो एज ए मेंबर ज्वाइन करेंगे या बोल सकते हो एज ए स्टूडेंट मीटिंग लिंक को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपने अपने पीसी के ब्राउजर को ओपन करना है। दोस्तों, यहाँ पे सर्च करना है microsofttteams.com। उसके बाद लैंग्वेज चूज करनी है। दोस्तों, पीसी में टीम्स को डाउनलोड करने से पहले आपने साइन अप करना है अपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स अकाउंट में। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है तो ठीक है, अदरवाइज आपने साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करने के बाद तो आपने अपना कोई भी जीमेल आईडी यहां पे फिल कर देना है जिसके साथ आप अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो। ईमेल आईडी डालने के बाद आपने नेक्स्ट करना है। आपको यहां पे ऑप्शन मिलेगी फॉर स्कूल, फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली, फॉर वर्क। तो आपने फॉर वर्क पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट करना है। दोस्तों, उसके बाद क्रिएट अकाउंट की ऑप्शन आएगी, आपने क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। क्रिएट पासवर्ड की ऑप्शन आएगी, आपने पासवर्ड क्रिएट करना है। दोस्तों, पासवर्ड क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। दोस्तों, उसके बाद आपको जीमेल में कोड मिलेगा, उस कोड को आपने यहां पे फिल कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। कैप्चा फिल करने के बाद उसके बाद आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम। दोस्तों, कंपनी नेम फिल करना कंपल्सरी है। अगर आप कंपनी नेम नहीं फिल करते तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम में लॉग इन नहीं कर सकोगे। तो यहाँ पे मैं अपने चैनल का नेम डाल रहा हूँ। उसके बाद आपने साइन अप टीम्स पे क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगी डाउनलोड द विंडो ऐप, आप यहाँ से भी कर सकते हो एंड आप प्रीवियस पेज से भी डाउनलोड कर सकते हो डाउनलोड टीम्स पे क्लिक करके। यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है डाउनलोड फॉर डेस्कटॉप और डाउनलोड टीम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड टीम्स पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे ऐप डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ऐप शो होगी जो डाउनलोड हो रही है। दोस्तों, ऐप को डाउनलोड होने के बाद आपने इंस्टॉल करना है। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल हो गई है मेरे पीसी में। उसके बाद आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उसके साथ लॉगिन करना है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में। यूजर नेम डालने के बाद पासवर्ड डालना है। दोस्तों, जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आपको यहां पे कंपनी नेम शो होगा, तो आपने कंपनी नेम सेलेक्ट करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। दोस्तों, साइन इन करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है इनवाइट पीपल टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन इन टीम। अगर आप ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आपने यहाँ पे से लिंक कॉपी करना है, अदरवाइज आपने क्लोज कर देना है। दोस्तों, उसके बाद आपको यहाँ पे स्क्रीन शो होगी एक्टिविटी, चैट, टीम्स, मीटिंग, कॉल एंड फाइल्स।
दोस्तों पार्टिसिपेंट्स, मेंबर्स या फिर आप बोलो स्टूडेंट्स को ज्वाइन करवाने के लिए टीम्स पे क्लिक करना है। टीम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको टीम शो होगी, यहाँ पे लिखा है योर टीम्स, ज्वाइन और क्रिएट टीम। दोस्तों अगर आप कोई नई टीम क्रिएट करना चाहते हो या आप किसी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपने क्रिएट टीम पे क्लिक करना है। आप यहां से टीम को क्रिएट भी कर सकते हो एंड ज्वाइन भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जो आपकी ऑलरेडी टीम क्रिएटेड है अगर आप उस टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो तो आपने थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है। थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ रही है हाइड, यहाँ से टीम हाइड हो जाएगी। मैनेज टीम, एड चैनल, एड मेंबर्स, लीव द टीम, एडिट टीम, गेट लिंक टू द टीम, मैनेज टैग्स एंड लीड द टीम। दोस्तों मेंबर्स को ऐड करने के लिए आपने ऐड मेंबर्स पे क्लिक करना है। ऐड मेंबर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने मेंबर का ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगी एज ए मेंबर, एज ए गेस्ट, उसके बाद ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करने के बाद जिसको भी आपने इन्विटेशन सेंड किया है उसके पास इन्विटेशन रिसीव हो जाएगा ईमेल के थ्रू। दोस्तों पार्टिसिपेंट के पास जब बोलो, मेंबर के पास जब बोलो, आप स्टूडेंट के पास भी टीम्स इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेंबर ने प्ले स्टोर से टीम्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद साइन इन करना है। जैसे हमने पीसी में साइन अप करके साइन इन किया है ऐसे ही मोबाइल में भी मेंबर्स को साइन अप करके साइन इन करना कंपलसरी है। तो अभी इस फोन में मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है, उसके थ्रू मैं साइन इन कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे ही मेंबर साइन इन करेगा अकाउंट में तो उसे यहाँ पे सभी ऑर्गेनाइजेशन शो होगी कि उसने किस कंपनी के थ्रू, उसने किस क्लास के थ्रू ज्वाइन करना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं सुपर टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने सुपर टेक्नोलॉजी के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड की थी। उसके बाद ऑप्शन आएगी ब्राउजर के थ्रू ओपन करने की। यहाँ पे मेंबर को फिर से अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा, उसके बाद एक्सेप्ट करना है। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आएगी डू यू वॉन्ट टू स्विच सुपर टेक्नोलॉजी, ओके पे क्लिक करना है। दोस्तों मेंबर के पास भी एक्टिविटी, चैट, टीम्स, कॉल एंड मोर का आइकॉन शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेंबर के पास भी सभी एक्टिविटी शो होगी। एडमिन के पास भी एक्टिविटी में जो भी एक्टिविटीज हुई हैं यहाँ पे शो हो गई हैं। जैसे यहाँ पे दुल्ट मैंडी को ऐड किया है, यहाँ से डायरेक्ट भी प्रोफाइल ओपन हो सकती है। अगर आप चैट के थ्रू चैट करना चाहते हो तो आप यहाँ से चैट भी कर सकते हो। आप यहाँ से कुछ भी राइट करके सेंड कर सकते हो और ये चैट चैट बॉक्स में भी यहाँ पार्टिसिपेंट के पास शो होगी। इसी तरह पार्टिसिपेंट भी यहाँ से कुछ भी राइट करके सेंड कर सकता है। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है फॉन्ट चेंज करने की, यहां से क्लिक करके आप फॉन्ट भी चेंज कर सकते हो। एंड डिलीवरी ऑप्शन को सेट करने की ऑप्शन आ रही है, अटैचमेंट की ऑप्शन आ रही है, आप यहां से कुछ भी अटैच करके वन ड्राइव से या आप पीसी से सेंड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ रही है इमोजी की, आप इमोजी भी सेंड कर सकते हो, जीआईएफ फाइल भी सेंड कर सकते हो और स्टिकर भी सेंड कर सकते हो। एंड अगर आप कोई प्रेज करना चाहते हो तो यहाँ पे प्रेज स्टिकर भी अवेलेबल है, आप यहाँ से प्रेज भी सेंड कर सकते हो। और में मोर के अंडर सजेशंस आ रहे हैं, न्यूज, प्लेस, स्टॉक्स, वेदर, विकिपीडिया, यूट्यूब। जैसे हम यूट्यूब पे क्लिक करते हैं तो आप यहां से यूट्यूब को भी ऐड कर सकते हो। मैं सर्च कर रहा हूं अपने चैनल का नेम। दोस्तों यहां पे मेरी वीडियो शो हो गई है। अगर मैं इस वीडियो को यहां पे क्लिक करूंगा तो ये वीडियो का लिंक, ये वीडियो का सजेशन शो हो जाएगा पार्टिसिपेंट के पास। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पे कुछ राइट करके सेंड करते हैं तो पार्टिसिपेंट के पास भी वही लिंक शो हो जाएगा जो हमने यहाँ से सेंड किया है, और पार्टिसिपेंट उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को, उस यूट्यूब वीडियो को ओपन कर सकता है। फाइल्स पे क्लिक करके आप फाइल्स शेयर कर सकते हो, जो भी आपके पीसी में फाइल्स सेव्ड है आप उन फाइल्स को भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे फाइल अपलोड होनी स्टार्ट हो गई है और दूसरी तरफ फाइल भी शेयर हो गई है। आप यहां से जेपीजी फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, आप कोई भी फाइल यहां पे शेयर कर सकते हो और पार्टिसिपेंट इस फाइल को यहां पे क्लिक करके सेव भी कर सकता है और शेयर भी कर सकता है। नेक्स्ट टीम्स का आइकन शो हो रहा है, टीम्स पे क्लिक करके आप टीम को मैनेज कर सकते हो जैसे मैंने आपको पहले भी शो किया था, और आप यहां से पीपल्स को इन्वाइट भी कर सकते हो। टीम के अंडर कोई चैनल क्रिएट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे चैनल भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं चैनल क्रिएट कर रहा हूँ क्लास 9th स्टैंडर्ड हो जाएगा, और दूसरी तरफ पार्टिसिपेंट के पास भी ये चैनल शो होगा। जैसे ही पार्टिसिपेंट टीम्स पे क्लिक करेगा तो
तो यहाँ पे सी ऑल टीम्स पे क्लिक करेगा, उसके बाद उसने टीम को सिलेक्ट करनी है, तो उसे यहाँ पे चैनल शो होगा। पार्टिसिपेंट इस चैनल को पिन कर सकता है, एडिट कर सकता है एंड डिलीट कर सकता है। दोस्तों अगर एडमिन इस चैनल को डिलीट करना चाहता है तो थ्री डॉट्स पे क्लिक करके चैनल की नोटिफिकेशन को ऑन ऑफ कर सकता है, पिन कर सकता है, हाइड कर सकता है, मैनेज कर सकता है चैनल को, गेट लिंक टू द चैनल, एडिट दिस चैनल, डिलीट दिस चैनल, यहां से चैनल को डिलीट भी कर सकता है। दोस्तों टीम्स में भी चैट की ऑप्शन आ रही है, यहाँ पे सेम ऑप्शन आ रही है जो चैट में आ रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एडिशनल ऑप्शन आ रही है मीट नाउ की, आप यहाँ पे क्लिक करके मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे आप मीटिंग स्टार्ट करते हो तो आपने यहाँ पे मीटिंग का टाइटल फिल करना है, उसके बाद कैमरा को ऑन ऑफ करने की ऑप्शन आ रही है, आफ्टर दैट आपने मीट नाउ पे क्लिक करना है। मीट नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। मीटिंग में इन्वाइट करवाने के लिए यहाँ पे कॉपी मीटिंग लिंक की ऑप्शन आ रही है, इन्वाइट बाय ईमेल, आप यहां पे क्लिक करके मीटिंग लिंक कॉपी कर सकते हो। और दोस्तों उसके बाद ऑप्शंस आ रही हैं कैमरा ऑन ऑफ करने की, माइक्रोफोन ऑफ ऑन ऑफ करने की, शेयरिंग की। दोस्तों आप यहां से डेस्कटॉप, कोई पर्टिकुलर विंडो, पावर पॉइंट फाइल्स, वाइट बोर्ड, यहां से शेयर कर सकते हो। दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ रही है रेज हैंड की, आफ्टर दैट चैट की, आप यहां से डायरेक्ट चैट भी कर सकते हो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है शो पार्टिसिपेंट्स की, दोस्तों यहां पे आपको सभी पार्टिसिपेंट्स शो होंगे। दोस्तों आप शेयर इनविटेशन पे क्लिक करके भी लिंक को शेयर कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मैं इस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करूंगा। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपने टीम मेंबर्स या फिर जो आपका टीम मेंबर नहीं है आप उसे भी ज्वाइन करवा सकते हो एज ए गेस्ट, इस लिंक को व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करूंगा। दोस्तों इस लिंक को मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मेरी स्क्रीन पे एक लैपटॉप और टू मोबाइल्स हैं, एक मोबाइल जो ऑलरेडी हमारी टीम का मेंबर है, एक मोबाइल जो हमारे टीम का मेंबर नहीं है, हम उससे भी मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों अभी मैं दोनों मोबाइल से मीटिंग को ज्वाइन कर रहा हूं। दोस्तों आप यहां से ज्वाइन एज गेस्ट पे भी क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों यहां पे गेस्ट को एडमिट करवाने के लिए परमिशन आ गई है, जैसे हम गेस्ट को एडमिट करवाते हैं तो गेस्ट के साथ ही हमारी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों यहां पे मीटिंग स्टार्ट हो गई है हमारी टीम मेंबर के साथ एंड गेस्ट के साथ। दोस्तों यहाँ पे मेंशन हो रहा है गेस्ट, आप यहाँ से अपने पार्टिसिपेंट को कंट्रोल कर सकते हो, किसी की स्क्रीन को भी आप पिन कर सकते हो, और अगर आप किसी पार्टिसिपेंट को रिमूव करना चाहते हो तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन आ रही है मेक एन अटेंडी, अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपने पार्टिसिपेंट को लाइक एडमिन भी बना सकते हो। और दोस्तों अगर आप किसी भी पार्टिसिपेंट की वीडियो को अनपिन करना चाहते हो तो आप अनपिन कर सकते हो। तो इसी तरह पार्टिसिपेंट के पास ही सभी ऑप्शन शो हो रही हैं, लाइक कैमरा ऑन ऑफ करने की, माइक्रोफोन ऑन ऑफ करने की, स्पीकर को ऑन ऑफ करने की, उसके बाद शेयरिंग की ऑप्शन, रेज हैंड की ऑप्शन, सभी ऑप्शन यहाँ पे शो हो रही हैं। और उसके बाद ऑप्शन आ रही है मीटिंग को डिस्कनेक्ट करने की। और दोस्तों एडमिन के पास ऑप्शन आ रही है कैमरा को ऑन ऑफ करने की, माइक्रोफोन को ऑन ऑफ करने की, शेयरिंग की। शेयरिंग में आप डेस्कटॉप की स्क्रीन शेयर कर सकते हो, कोई भी विंडो शेयर कर सकते हो, पावर पॉइंट की फाइल शेयर कर सकते हो, व्हाइट बोर्ड को शेयर कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है मोर एक्शन, मोर एक्शन में शो डिवाइस सेटिंग्स, आप यहां से अपने डिवाइस की सेटिंग कर सकते हो, लाइक माइक्रोफोन को आप चूज कर सकते हो अगर आपके पास मोर देन वन माइक है, और आप यहां से स्पीकर की वॉइस को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। और दोस्तों आप यहां से कैमरा की सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो अगर आपके पास मोर देन वन कैमराज हैं। दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है चैट की, आप यहां से चैट भी कर सकते हो अपने पार्टिसिपेंट के साथ, पार्टिसिपेंट को आप अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हो, कोई इमेज भी सेंड कर सकते हो, GIF, वही सभी ऑप्शन शो हो रही हैं जो हमें पहले चैट में हो रही थी। दोस्तों जैसे ही आप शो पार्टिसिपेंट पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको सभी पार्टिसिपेंट शो हो गए। दोस्तों अभी मैं दोनों मोबाइल से मीटिंग को डिस्कनेक्ट करूंगा, मीटिंग को डिस्कनेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आप अपने पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने कैसे करनी है। दोस्तों जैसे ही आपकी मीटिंग ऑफ होगी तो आप अपने पार्टिसिपेंट्स की अटेंडेंस भी डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड अटेंडेंस लिस्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने पीसी से डाउनलोड फोल्डर ओपन करना है, यहाँ पे आपकी मीटिंग की सारी अटेंडेंस डाउनलोड हो जाएगी, किस मेंबर ने कितने टाइम पे ज्वाइन किया था और कितने टाइम पे लेफ्ट किया है। दोस्तों आप यहां से मीटिंग को एंड करके एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है मीटिंग्स की, दोस्तों अगर आप यहां से भी मीटिंग स्टार्ट करना चाहते हो यहां से भी मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहां पे अटेंडेंस डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं आएगी। अगर आप अटेंडेंस डाउनलोड करना चाहते हो तो आपने टीम्स के थ्रू ही मीटिंग को स्टार्ट करना है।
दोस्तों उसके बाद ऑप्शन आ रही है स्केड्यूल मीटिंग्स। दोस्तों स्केड्यूल मीटिंग के रिलेटेड मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि मीटिंग को कैसे स्केड्यूल करना है और स्केड्यूल की ही मीटिंग को आपने फिर से कैसे ज्वाइन करना है। नेक्स्ट आइकॉन शो हो रहा है कॉल्स का। दोस्तों अगर आप अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ आप अपने टीम मेंबर के साथ कॉल करना चाहते हो तो आपने मेक ए कॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने अपने मेंबर का नेम सर्च करना है। नेम सर्च करने के बाद यहाँ नेम शो हो जाएगा, उसके बाद आप यहाँ से ऑडियो कॉल एंड वीडियो कॉल कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे भी सेम ही ऑप्शन शो हो रही है कॉलिंग के लिए, लेकिन यहाँ पे आपको लिंक शेयर करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट कॉलिंग कर सकते हो। और लाइक ए फोन पार्टिसिपेंट यहाँ से आपका कॉल को डायरेक्ट रिसीव कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे अटेंडेंस डाउनलोड करने की ऑप्शन नहीं आएगी। दोस्तों अभी मैं यहाँ से कॉल को डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद ऑप्शन शो हो रही है फाइल्स की। या जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो हमें हमने जो भी फाइल यहाँ पे डाउनलोड की थी मीटिंग फाइल यहाँ पे शो हो गई है। आप यहाँ से डायरेक्ट भी ओपन डाउनलोड फोल्डर में विजिट कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको एक और ऑप्शन बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्चुअल बैकग्राउंड यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके वर्चुअल बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हो। आप कोई भी बैकग्राउंड चूज करके यहां से मीटिंग स्टार्ट कर सकते हो किसी भी बैकग्राउंड के साथ। दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा कि मीटिंग को कैसे स्केड्यूल करना है। अगर आपकी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या किसी अदर एजुकेशन ऐप के रिगार्डिंग क्वेरी है तो आप मेरी वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।